किस किसने सेजल कुमार का नाम सुना है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन सेजल कुमार का नाम किस किसने सुना है, मैं आपको दिखा देता हूं। मेरी फेवरेट, आई कैन से कि शी इज माय फेवरेट यूट्यूबर एज वेल, सेजल कुमार किस किसने सुना है। अगर लड़कियों को, जो लड़कियों को ऐसा बोलते हैं बेटा सिक्योरिटी है, बेटा मत करो, आपकी सिक्योरिटी के नाम पर आपको कहा जाता है कि आप डीपी मत लगाओ या अपना नाम मत लिखो, लड़कियों को डराते रहते हैं, तो उनके लिए मैं सेजल कुमार का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। कौन कौन सेजल कुमार को जानता है? आपको पता है सेजल कुमार, मेरे ख्याल से मतलब मैंने जितना सुना है, वो जयपुर के कॉलेज से निकली हुई लड़की है, सिंपल। और उसका ये, और ना वो इतनी कॉमन दिखती है, कोई इतनी स्मार्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए, बड़ी कॉमन सी लड़की है। लेकिन आज ये लड़की इतनी मल्टी, अगर ये लड़की है ना, इस लड़की को किसी ने कहा होता कि नहीं सिक्योरिटी, लड़कियों को सिक्योरिटी के नाम पर कहा जाता है कि तुम डीपी मत लगाओ, तुम अपना नाम मत लिखो, खुद भयंकर एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों को एक्सपोज नहीं करने देंगे। आज अगर सेजल को ये बात किसी ने कही होती, क्या सेजल बड़ी ब्रांड बन पाती? कैन यू प्लीज टेल मी, आज सेजल को किसी ने ये कहा होता कि नहीं सेजल, लड़कियों की सिक्योरिटी इंडिया में ठीक नहीं है, तुम मत करो, तो क्या सेजल इतनी बड़ी ब्रांड बन पाती? कैन यू प्लीज टेल मी। मैं आपको बता देता हूं, सेजल कुमार का टिकमार्क लगा हुआ 1.34 मिलियन सब्सक्राइबर है, और मैंने इसके टैलेंट को देखा है, और आज इतने बड़े बड़े मल्टी नेशनल ब्रांड इसके साथ कोलैबोरेशन करने को तैयार है। आप इस लड़की की अर्निंग सुन के आपके हालत खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले तो जो लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि लड़कियां नहीं कमा सकती, लड़कियों की सिक्योरिटी का रीजन है, लड़कियों को कोई खा जाएगा, तो सेजल कुमार आपके लिए बहुत बड़ी